सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के नोट 40 डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर हैरेसमेंट फिल्टर सेटिंग का यूज कैसे करेंगे। गाइस, ये जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक प्राइवेट नंबर सेट करने का सेटिंग्स है। आप किसी भी पर्टिकुलर एक नंबर को आप सेट कर देंगे तो सारी की सारी कॉल जो होती है वो आपके फोन पर नहीं आएगी, वो टोटली नंबर्स ब्लॉक लिस्ट में जाएंगे। देन अगर आपने जिस पर्सन का नंबर सेट करके रखा है सिर्फ उसी की कॉल आपके फोन पर आएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग से छोटा सा डेमो करते हैं एंड आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को यूज कैसे करते हैं। वेल गाइस, फोन के अंदर हैरेसमेंट फिल्टर सेटिंग का एक्सेस करने के लिए हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा। इसमें एक सेटिंग्स मिलेगी, सी मेन नेटवर्क सेटिंग्स। एक बार आप इसको प्रेस करेंगे देन इस तरह से आपके पास होम एंड एड्रेस बोर्ड आएगा। एक सेटिंग्स और मिलेगी, कॉल सेटिंग्स, इसको प्रेस करना है। देन आपके पास इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। फोर्थ वाला एक ऑप्शन मिलेगा हैरेसमेंट फिल्टर, एक बार इसको प्रेस करना है। देन इसके अंदर भी आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसमें ब्लॉक नंबर, नॉट इन योर कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, ब्लॉक और नॉन हिडन नंबर्स का ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, प्राइवेट नंबर सेट करना है। उसके लिए यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स प्राइवेट नंबर पर क्लिक करना है। अब चूज करना है आपने सिम कार्ड की कौन से सिम कार्ड पे करना है। अच्छा डेमो, अगर मैं वन को चूज करता हूँ तो यहाँ प्लस आइकन है, एक बार प्लस आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस कॉन्टेक्ट लिस्ट को नंबर को आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी की कॉल आएगी इस वाले नंबर पे जो हम पहला सिम कार्ड सेट कर रहे हैं, बाकी किसी की कॉल नहीं आएगी, टोटली वो ब्लॉक लिस्ट में चली जाएगी। तो ये जो अगर आप प्राइवेट नंबर सेट करना चाहें, अभी हालांकि ये इन्फिनिक्स के ही डिवाइसों में देखने को मिला है, बट अगर कोई लाइक अदर कंपनियों में शायद में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सेटिंग्स आपको मिल रही है इस इन्फिनिक्स वाले ही फोनों के अंदर ज्यादातर देखने को इस तरीके की अलग अलग सेटिंग्स मिलती है। तो अगर आपने प्राइवेट नंबर सेट करना है तो जस्ट प्रेस करके यहाँ पर चूज करेंगे सिम वन, इसके बाद आप प्लस साइन पे क्लिक कर लेना एंड उस पर्टिकुलर नंबर को सेट कर देना जिसकी कॉल आपको अपने नंबर पे चाहिए, तो उसी पर्सनल नंबर की कॉल आपको यहाँ पर आएगी। बाकी सारी की सारी नंबर्स की जो कॉल होती है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक लिस्ट में चली जाएगी। तो ये सेटिंग्स काफी इंटरेस्टिंग है, आई होप भी समझे होंगे इसका यूज कैसे करना था। एंड इसके रिगार्डिंग कोई और कंफ्यूजिंग होती है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।